रख तेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा शुक्रदेव हे महेश्वरा। हाय एवरीबॉडी, दशहरे की छुट्टी में मैं उत्तराखंड आई हूँ। ये देखिए, आज मैं आप लोगों को कपिलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर दो नदियों के संगम पे बना है, एक कुमनी नदी और दूसरा शकुनी नदी। ये मुक्तिधाम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए आपको वीडियो में दिखेगा कि लोग अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे कत्यूरी वंश के राजाओं ने 8वीं या 9वीं शताब्दी में बनाया था। 9,00,000 लोगों ने एक रात में इसे बना के पूरा किया था। ऊपर आप देख सकते हैं, वो छोटी भोले बाबा की मंदिर है। और इस तरफ आप देखिए, एक पुलिया दिखा रही हूँ मैं आपको। ये पुलिया जो है, ये इतना खूबसूरत है कि ये दो नदियों को कनेक्ट करता है और दो गाँवों को कनेक्ट करता है। और सामने आप देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा ये चीड़ का जंगल। ये चीड़ के जंगल हैं, इसमें पूरे लगे हुए हैं। घनी आबादी वाले जगह तो नहीं है ये, क्योंकि कुछ ही लोग यहाँ पर रहते हैं। गांव में मैंने अभी पंडित जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि करीब यही 10-12 गांव है। दूसरी कथा ये है, पहली कथा के बाद मैं दूसरी कथा पे जा रही हूँ। दूसरी कथा ये है कि ये मंदिर बाएं तरफ झुकी हुई है। झुके हुए होने का कारण ये है कि मौना में एक मंदिर है नाग देवता का और एक यहाँ दूसरे नाग देवता का। दोनों नागों में बहुत लड़ाई हुई और उसमें मौना के नाग देवता हार गए, और हारने के बाद दूसरे नाग देवता ने अपनी कुंडली मार के इसे खींच दी। जब इसे खींचा तो ये बाएं तरफ की तरफ झुक गया। झुकने के बाद क्या हुआ कि ये मंदिर टेढ़ी हो गई। इसमें पुरातत्व विभाग के द्वारा बनाया हुआ म्यूज़ियम भी है, वो म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत है। अगली बार मैं आपको म्यूज़ियम का भी वीडियो दिखाऊंगी। अब आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद, बाय बाय, हैप्पी दशहरा। चलिए पंडित जी के सौजन्य से अभी हम लोग दूसरा चीज देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं पंडित जी, थोड़ा बताएंगे? संग्रहालय है, म्यूजियम। म्यूजियम बाकी मूर्तियां सब अंदर रखी हैं। हाँ, जो छोटे मंदिर ध्वस्त खंडित हो गए थे उनकी मूर्तियां यहाँ अंदर रखे हैं। इनका कहना है कि पुरातत्व विभाग ने यहाँ एक संग्रहालय बनाया है। ये बाढ़ आई थी आज से बहुत साल पहले, इनको भी नहीं मालूम है कि कब बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के दरमियान इसमें बहुत सारी मंदिरें छोटी छोटी बनी हुई थी, लेकिन वो खंडित हो गई। तो उन सभी मंदिरों का जो अवशेष है, उस अवशेष को संग्रहालय के रूप में रख दिया गया है। पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख कर रहा है, और आपको मैं दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से ये संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। ये देखिए, ये कौन सी मंदिर है, नदी है पंडित जी? ये शकुनी, ये शकुनी मंदिर है, शकुनी नदी है। ये देखिए, ये शकुनी नदी की धारा आ रही है। एक आपने दाहिने तरफ से देखा होगा नदी को, एक बाएं तरफ से। तो ये जो दाहिने तरफ से नदी आ रही है, ये शकुनी है। हाँ। और बाएं तरफ की जो नदी थी वो कौन सी नदी थी पंडित जी? कुमिया। वो कुमिया नदी थी। अब मैं आप लोगों को, ये कौन सा स्थान है पंडित जी? ये यहाँ पर शिव पुराण भागवत कथाएं। ओ, यहाँ पे शिव पुराण और भागवत कथाएं होती हैं। ये देखिए, मिट्टी का बना हुआ ये यहाँ पर हवन कुंड, हवन कुंड होता है यहाँ पर। ये आप देखिए, ये सब चीज आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। ये देखिए, इसको क्या कहते हैं पंडित जी? इसको ये शिवलिंग है, ये भोलेनाथ का शिवलिंग है। और ये देखिए म्यूजियम, ये तो सही में ही यूनिक चीज़ है। ये देखिए, ये जितने भी मंदिर के अवशेष ध्वस्त हुए थे, मंदिर के जितने अवशेष ध्वस्त हुए थे वो सब ये अवशेष यहाँ पर रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर ढंग से रखा गया है। और मंदिर में पुजारी जी इसकी रक्षा कर रहे हैं, और भोलेनाथ की इन पे कृपा है कि ये इतने जगह पर रहकर पूजा पाठ कर रहे हैं और हम लोगों को भी कुछ कुछ यहाँ की जानकारी दे रहे हैं। ये सब आप देख सकते हैं कितना यूनिक चीज़ है। शायद ये सब आप लोगों को कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये एक शिवलिंग, ये देखिए, ये देखिए, ये सब खंडित हुआ है बाढ़ में के पानी में। और ये देखिए नंदी, ये नंदी, ये
गांव जो है वो अंतिम गांव, ये गांव अंतिम गांव है, अंतिम गांव है यहाँ कपिलेश्वर। अच्छा, कपिलेश्वर धाम अंतिम गांव है ये, आगे को दूर के हो भी दूर हो। अच्छा, ये किस जिला में पड़ता है पंडित जी? ये अल्मोड़ा जिला का अंतिम गांव है, ये अल्मोड़ा जिला का अंतिम गांव है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत, पंडित जी से आप लोग अपना आशीर्वाद लीजिए। चलिए पंडित जी, आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आप भी सबों को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार अवश्य कपिलेश्वर धाम का दर्शन करने आए, हमारी बस यही गुजारिश है, एक बार आप लोग अवश्य आए। चलिए, तो अब हम इस वीडियो को बंद कर रहे हैं, धन्यवाद।